हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट अगेन। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग एक मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मॉड्यूल वन स्टार्ट किया था। उस मॉड्यूल वन में मैं आपको बताऊँ तो हमने एक इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था कि जो कुछ मोस्टली इम्पोर्टेंट है। आपको डेफिनेशन मैंने दी थी कि कुछ मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, ठीक है। और जो एक दूसरा टॉपिक था जिसका नाम था एरर एनालिसिस, जो सारे पीएसयू का हॉट टॉपिक है, और ईएस में तो वो उसके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। आपको 5-6 क्वेश्चंस आराम से मिल ही जाएंगे। इलेक्ट्रिकल में आपको गेट में भी इसके क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि आज मैं जो ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो को ही ये लिंक करता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं। मैंने जैसे कोई टेस्ट सीरीज दी थी, मुझे उस टेस्ट सीरीज़ में 5-6 क्वेश्चंस ऐसे मिल गए हैं जो उसी टॉपिक के रिलेटेड हैं। तो अगर आपने आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आ जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं कुछ टेस्ट सीरीज़ देख रहा था, प्राइवेट टेस्ट सीरीज़ देख रहा था, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो फिर कॉपीराइट इशू हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊँगा, आपको पता पड़ ही जाएगा अगर आपने दे रखी होगी तो, ठीक है। तो उसमें से मुझे 5-6 क्वेश्चंस ऐसे मिले थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैंने उस वीडियो में आपको पहले बताया था कि वो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हाँ, इस टेस्ट सीरीज़ में ऐसे ही क्वेश्चंस थे, वही सेम क्वेश्चंस हैं। तो मैं वही क्वेश्चंस को आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पहला क्वेश्चन यह मिला था कि 0 to 10 एम्पियर एमीटर हैज़ ए गारंटी एक्यूरेसी ऑफ 1% फुल स्केल डिफ्लेक्शन द लिमिटिंग एरर वाइल द रीडिंग ऑफ 2.5। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको उस अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जो हम मॉड्यूल वन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन है। बस ये जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट है, वैल्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अप्रोच सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाता, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारे जो सॉल्यूशन इन्होंने दे रखे हैं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सॉल्यूशन आपको देख लीजिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। करना कुछ नहीं था, 1% फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा था 10 एम्पियर में, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, एरर जो रिलेटिव एरर है एप्सिलॉन आर, ठीक है, उसमें से आपको क्या निकालना है, जो कांस्टेंट एरर रहती है, ठीक है, वही निकालनी थी। 1% के किसके हिसाब से, 10 एम्पियर के, कितना आता, 0.1 एम्पियर आ जाता। डिवाइड क्या करना था, 0.1 को 2.5 से डिवाइड कर देते, into 100 कर देते, आपको मिल जाती लिमिटिंग एरर उसकी 2.5 के, ठीक है। बस यही करना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो बस यही क्वेश्चन मुझे टेस्ट सीरीज़ में मिला था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में ये था, इफ द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस द लिमिटिंग एरर फॉर पावर एंड द करंट मेजरमेंट्स आर 2.5% एंड द 2% और द लिमिटिंग एरर फॉर द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि फाइंड करना है आपको आर दे रखा है, पावर और करंट, ठीक है। मतलब क्या है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक। तो आर क्या होगा, पी बाय आई स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड था, मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड था। यही क्वेश्चन मैं आपको सेम मॉड्यूल वन में क्वेश्चन नंबर अगर 9 आप देखेंगे तो उसमें मैंने सेम क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है। ये क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दो, जो मैंने दो टॉपिक पढ़ाए थे वो दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन ही है कि मल्टीप्लिकेशन और जो पावर फैक्टर वाला जो इक्वेशन, दो इक्वेशन थे, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन ही है। करना कुछ नहीं था, आर फाइंड करना है, पी बाय आई स्क्वायर है। तो क्या होता है, डायरेक्ट हम, मैंने उसमें बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना है, डायरेक्ट डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी बाय पी प्लस डेल्टा आई बाय आई। टू कहाँ से आया, ये जो टू है वो यहाँ से है आई स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर पावर होती है तो अगर कोई पावर वाला इक्वेशन होगा तो उसकी पावर जो होगी वो इस जो लिमिटिंग एरर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय पी प्लस टू डेल्टा आई बाय आई, ठीक है। बस क्या था, डेल्टा पी बाय पी आपको दे रखा था 2.5%, तो 0.025 हो जाएगा, ये 0.02। बस यहाँ इक्वेशन में डाल दीजिए
आंसर आपको मिल जाता है 0.065। परसेंटेज में पूछा था तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपको मिल जाता आंसर 6.5%। बस यही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 9 मॉड्यूल 1 में डिस्कस किया ही था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो ये क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर पाते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था एरर्स के बारे में। अगर आपने वो उस वीडियो में देखा होता तो मैंने कुछ एरर्स डिफाइन की थी, जो जो एरर्स होती है कि कौन सी एरर कब आती है, कितने टाइप्स की एरर होती हैं। तो बस यही क्वेश्चन सेम था कि द एरर्स मेनली कॉज्ड बाय द ह्यूमन मिस्टेक। ठीक, ह्यूमन मिस्टेक के कारण कौन सी एरर होती है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो ग्रोस एरर होती है वो मेनली ह्यूमंस के हिसाब से ही होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर को आप टिक मत कीजिएगा, क्योंकि आपको आंसर क्या करना था, ग्रोस एरर करना था। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड था, जो मैंने एक आपको चार्ट बना के दिया था उसी में से ही आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपको अगर वो वीडियो देखा होता तो ये भी आप सॉल्व कर पाते आराम से। फिर एक चौथा क्वेश्चन था, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन के लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने उसमें कवर नहीं किया था, तो इसलिए मैं इसमें कवर कर दे रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट मेजरमेंट टेकन बाय द फोर ऑब्जर्वर्स वॉज रिकॉर्ड एज, इतने मतलब ये है कि ये चार मेजरमेंट्स लिए है कोई चार ऑब्जर्वर्स ने। ठीक है, और ये वैल्यूज आ रही है उस इंस्ट्रूमेंट की, तो इसकी रेंज ऑफ द जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एरर्स, रेंज ऑफ द एरर्स कितनी होगी। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ द एरर्स निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, द रेंज ऑफ द एरर्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई मैक्स माइनस आई एवरेज प्लस आई एवरेज माइनस आई मीन डिवाइड बाई टू। इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, ये आपको आप अगर आपने कहीं नोट नहीं की है, मैंने जो लास्ट वीडियो बताया था उसमें आपने अगर कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो शॉर्ट नोट्स में इसको इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग आईएएस 2016 में सेम क्वेश्चन था, वैल्यूज कुछ डिफरेंट थी पर क्वेश्चन सेम ही था, आपको करना कुछ नहीं था। इसमें है कि आईमैक्स कहाँ है, तो आईमैक्स इसमें से आप फाइंड कर लीजिए कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आईमैक्स हो जाएगी। ठीक है, आईमैक्स है अपनी 117.1 मिली एम्पियर, आई मिनिमम क्या होगा तो 117.02 मिली एम्पियर। ठीक है, आई एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालना सबको आता है कि भाई चार ऑब्जर्वर है, चार वैल्यूज़ है, इसको एडिशन करके डिवाइड बाय चार कर दीजिए, वो आपकी हो जाती है एवरेज। बस तीन वैल्यूज़ मिल गई, इसको यहाँ इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाता, ये था आपका आंसर, बस करना कुछ नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यही एक टॉपिक था जिसके लिए जो मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बता पाया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने उसको कवर कर रखा है, इस इक्वेशन को खास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद ये लोग शायद हर दो ईयर में एक दो क्वेश्चन रिपीट करते ही करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन इस बार शायद आ सकता है। ठीक है, तो जी हाँ, ये इस इक्वेशन को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पाँचवा क्वेश्चन मेरे को मिला था एक असर्शन और रीज़न के बारे में। ठीक है, असर्शन और रीज़न के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको पता ही है, उस ऑप्शन को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो उस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि पहले असर्शन रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑलवेज एक्यूरेट। ठीक है, और द रीज़न, अब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज़ वन वेदर द डिग्री ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑफ द मेजरमेंट इज़ वेरी गुड। ठीक है, इसमें असर्शन में ये कहा गया है कि जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑलवेज एक्यूरेट होता है। अगर आपने वो मॉड्यूल वन देखा होता तो उसमें मैंने आपको दो डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी, एक एक्यूरेसी की डेफिनेशन थी और एक थी प्रिसीजन की डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं एक्यूरेसी की डेफिनेशन बता दूँ तो कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो मान लो कि एक ए इंस्ट्रूमेंट है और एक बी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ए इंस्ट्रूमेंट है हमें, जैसे कि एक सर्किट दे रखी है, 10 वोल्ट हमें मेज़र करना है, एक इंस्ट्रूमेंट ए है जो मेज़र करता है 8.5 वोल्ट और एक इंस्ट्रूमेंट बी है जो मेज़र करता है 9.5 वोल्ट। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट बी है उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि वो 10 वोल्ट हमें मेज़र करना है और हमें वो 9.5 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, पर इंस्ट्रूमेंट ए है वो हमें 8.5 वोल्ट दे रहा है, मतलब उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। पर अगर मैं प्रिसीजन की बात करूँ तो जो इंस्ट्रूमेंट ए है जो 8.5 वोल्ट दे रहा है, पर अगर आप उसको बार बार मेज़र करते हो और वो इंस्ट्रूमेंट ए अगर आपको पहली बार में 8.5 देता है, दूसरी बार में 8.45 देता है, तीसरी बार में 8.55 देता है, तो जी दोस्तों इसमें देखिए आप, जो इंस्ट्रूमेंट ए है उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, पर इंस्ट्रूमेंट ए की प्रिसीजन बहुत अच्छी है।
वैसे ही अगर एग्जांपल लूँ मैं इंस्ट्रूमेंट बी का, तो इंस्ट्रूमेंट बी 9.5 मेज़र करता है, मतलब एक्यूरेसी उसकी अच्छी है, पर अगर पहली बार में 9.5 करता है, दूसरी बार में 9 करता है, तीसरी बार में 9.99 करता है, चौथी बार में 8.5 कर देता है, मतलब क्या है, इसकी रेंज ऑफ वैल्यू एरर्स है वो ज़्यादा है, मतलब क्या है, उसकी प्रिसीजन अच्छी नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या हुआ कि जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि असर्शन गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, इसका मतलब कि असर्शन गलत है, मतलब आपको आंसर तो मिलेगा ए बी सी डी में से कि भाई असर्शन गलत है, मतलब आंसर आएगा डी। रीज़न में ये था कि द प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज़ वन वेदर द डिग्री ऑफ द रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द मेजरमेंट इज़ वेरी गुड। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि यही एक डेफिनेशन है प्रिसीजन की। ठीक, प्रिसीजन उसे ही बोलते हैं जो बार बार रिप्रोडक्टिविटी मेजरमेंट करने पे अगर उसकी रिप्रोडक्टिविटी अच्छी है, मतलब वो अच्छी वैल्यूज़ दे रहा है आपको, सेम वैल्यूज़ दे रहा है, तो हाँ वो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, तो अगर आप उस वीडियो को फॉलो कर देते तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर। जी हाँ दोस्तों, तो यही मुझे जो टेस्ट सीरीज़ में 5-6 क्वेश्चंस मिले थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मुझे लगा कि आपको साथ शेयर करने चाहिए, तो मैंने आपको साथ शेयर कर दिए हैं। ये 5 क्वेश्चन ही हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, और ये 5 क्वेश्चन उसी टॉपिक्स में से ही हैं, तो अगर आपने वो वीडियो फॉलो किया होता तो ये जो 5-6 क्वेश्चन थे वो आराम से आप सॉल्व कर पाते, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो एक अब मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था, इक्वेशन था, वो यही था बस। ये टॉपिक, ये जो इक्वेशन है इसको आप कर दीजिए, यही इम्पोर्टेंट इक्वेशन थी इस पूरे स्लाइड में, बाकी सब तो मैंने उसमें कर ही रखा था, ये इक्वेशन ही सिर्फ मैंने नहीं बताई थी, तो इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।